नमस्कार, मैं वीरेश पांडे आ गया हूँ राजस्थान के लखनऊ में। जी हाँ, चौंकिए मत, टोंक को यहाँ इसी नाम से जाना जाता है। 1948 में राजस्थान का हिस्सा बनने से पहले टोंक एक रियासत थी। जी हाँ, इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। 1746 में इस शहर की स्थापना हुई थी। पुरानी हवेलियों, बड़ी मस्जिदों और खरबूजों के लिए ये शहर जाना जाता है। और अब इस टोंक को सचिन पायलट की वजह से देश भर में जाना जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पायलट ने दूसरी बार इस सीट से नामांकन दाखिल किया है। सवाल यह है कि क्या टोंक की सीट सचिन पायलट के लिए आसान है? सवाल है कि पूरे राजस्थान में जो सिलसिला परंपरा 5 सालों के बाद सरकार बदलने का रहा है, वो और एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी चुनौती महसूस हो रही है कांग्रेस को? पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम महज 21 विधायक रह गए थे। उसके बाद हम सब ने मेहनत करी और बहुमत लेकर आए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको रिपीट करें। मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज यहां पे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है पार्टी को और हम सब लोगों को, ये उस मेहनत का परिणाम है। जो विकास हमने यहां पर किया, जो संबंध हमने बनाए और लोगों को साथ लेकर चले हैं, और ये उत्साह, ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये समर्थन, ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। पद पोस्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन पब्लिक में जो अपनी जगह बनाकर रखते हैं उन लोगों को लोग बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और हम सरकार रिपीट करने में कामयाब। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इस सरकार की, जिसकी वजह से आपको लगता है कि सरकार रिपीट करेगी, परंपरा तोड़ेगी? बीजेपी की केंद्र की सरकार ने कोई सहायता मदद नहीं करी हम लोगों की 5 साल, बावजूद उसके अपने विकास के काम करवाए सरकार ने, पार्टी और संगठन ने, सरकार ने मिलकर काम किया है। और बीजेपी जो बिखराव है आपस में, मैं समझता हूँ जनता उसको देख रही है, और एक निष्क्रिय विपक्ष बीजेपी रही 5 साल। अब वो सोचते हैं कि अपने आप जनता वोट दे देगी, तो ऐसा होने वाला नहीं। साल 2018 में सचिन पायलट इस सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने थे। उस चुनाव में ये संदेश गया था कि टोंक इस बार विधायक नहीं सीएम चुनेगा। नतीजे पक्ष में रहे और पायलट चुनाव जीत गए। समर्थक इस बार भी पायलट की जीत का दावा कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने जमकर सचिन पायलट को वोट किया था। मुस्लिम समुदाय के हमारे साथ लोग हैं जो टोंक से हैं, इस बार किधर हवा रहेगी? बिल्कुल साहब, इस बार जो है सचिन पायलट जी की तरफ हवा रहेगी, कांग्रेस की हवा रहेगी, कांग्रेस रिपीट होगी। सचिन पायलट जो है 72,000 वोटों से टोंक से लीड मारेंगे, और आने वाला जो दिख रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, मुख्यमंत्री भी सचिन पायलट ही होंगे। क्योंकि ये टोंक जय विधानसभा या टोंक जिले की पुकार देंगे, पूरे राजस्थान के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, हर वर्ग के लोगों की पुकार है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होंगे। हाँ साहब, आप भी युवा हैं, सचिन पायलट के समर्थक लगते हैं? बिल्कुल, इस बार सचिन पायलट की पहले से ज्यादा बहुमत वोट से जीत होगी। पहले 54,000 से हुई थी, इस बार 75,000 से ज्यादा वोटों से जीत होगी सचिन पायलट की। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं सचिन पायलट के समर्थन में सड़कों पर उतरी हैं। आप बताइए कि सचिन पायलट के समर्थन में उतरी हैं, सचिन पायलट में आखिर ऐसा क्या? हम उन्हीं को वोट देंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम उन्हीं के साथ हैं। सचिन पायलट जी को ही वोट देंगे, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है हमारे लिए। काम किया है टोंक में, काम किया है? सचिन पायलट को वोट देंगे, उनसे काम किया है हमारे लिए। अच्छा, मुसलमानों के साथ वही है, हम उन्हों के साथ हैं, सचिन पायलट के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार टोंक में गुर्जर वोटर एकजुट हैं? क्या मुसलमानों का साथ कांग्रेस को मिलेगा? क्या गुर्जर और मुसलमान फिर सचिन को जिताएंगे? एबीपी न्यूज के दो दो रिपोर्टर वीरेश पांडे और जैनेन्द्र आज इस हाई प्रोफाइल सीट का सियासी मूड और मुस्लिम गुर्जरों का सियासी समीकरण देश को दिखाने जा रहे हैं। नवाबी दौर के इस शहर में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम वोटर्स की है, उसके बाद गुजर, मीणा और माली आते हैं। सचिन पायलट खुद गुजर हैं और उनका विवाह मुस्लिम खानदान में हुआ है, इसलिए मुस्लिम और गुजर हमेशा से उनके साथ रहे हैं। यूं तो टोंक सचिन पायलट के लिए आसान सीट है, लेकिन इस बार ओवैसी भी यहां सक्रिय हैं और ये सचिन के लिए, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। टोंक विधानसभा क्षेत्र में करीब 70,000 मुस्लिम वोटर हैं। गुर्जर वोटरों की संख्या करीब 45,000 के आसपास है। यहां दलित आदिवासी वोटर करीब 80,000 हैं। टोंक विधानसभा राजस्थान की वीआईपी सीटों में से एक है, क्योंकि यहां से विधायक हैं प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। पायलट ने
पिछले चुनाव में यहां 50,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। इस बार पायलट के सामने कैसी चुनौती है, टोंक के लोग पायलट के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। टोंक के मशहूर घंटाघर चौराहे पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेन्द्र ने चौपाल लगाई और यहां का सियासी मूड समझने की कोशिश की। टोंक में कौन किस पर भारी है? टोंक में अभी इस समय परिवर्तन की लहर है और जनता परिवर्तन के मूड में है। और क्या वजह? अगर आप पूछो कि परिवर्तन की वजह क्या है, तो सबसे पहली वजह तो अशोक गहलोत साहब को विधायकों की गिनती से फुर्सत में नहीं मिली 5 साल तक, तो डेवलपमेंट का उन्होंने सोचा ही नहीं। अब लास्ट में जब वो जागे तो रेवड़ियां बांटी इन्होंने। अब रेवड़ियों से वोटर हल्का सा कोई प्रभावित होता है तो होता है, बाकी जिसको आम डेवलपमेंट चाहिए, आम नागरिक को कंटिन्यू जो गारंटी चाहिए ना, वो चीज गवर्नमेंट ने दी नहीं। टोंक का क्या मुद्दा इस बार और कौन चुनाव जीत रहा है? मुद्दा तो सर कुछ भी नहीं, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीतेगी सर। हाँ, एक तरफा सरकार बनेगी कांग्रेस की, कम से कम 120 प्लस सीटें आएगी सर, कांग्रेस की सरकार बनेगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे सर। पूरे प्रदेश की बात बता दी आपने, टोंक की बात बताइए। टोंक में तो सर मुद्दा विकास किया, सचिन पायलट ने गजब का विकास किया, ऐसा विकास मैंने पहले न देखा था। और न भूतो न भविष्य, सचिन पायलट होंगे और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत होंगे सर। वही कभी इतिहास में न हुआ न भविष्य में होगा, वही विकास नहीं हुआ, सालों में आए हैं वो खुद ही यहाँ पे, एक एक साल में, दो दो साल में यहाँ पर। टोंक का सियासी इतिहास कहता है कि यहाँ कांग्रेस लगातार दूसरी बार कभी नहीं जीती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।